फिल्म के स्टार्टिंग में ईथन और एवरी की एंगेजमेंट हो रही थी। उन दोनों के सामने नौ नाम का आदमी बैठा था और उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो इस एंगेजमेंट से खुश है, लेकिन असल में वो बहुत दुखी था क्योंकि वो एवरी से मोहब्बत करता था। इसके बाद नो अपना पुराना समय याद करने लगता है जब नो पहली बार एवरी से मिला था। फिर एक पार्टी में नो एवरी से पहली बार मिला था और नो को उससे प्यार हो गया था। फिर वो उसे बात कर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। नो को पियानो बजाना आता था, फिर वो एवरी के लिए उसकी मनपसंदता धुन को पियानो के थ्रू बजाता है और एवरी बहुत इम्प्रेस हो जाती है उससे। फिर वो दोनों बहुत घुल मिल जाते हैं और बहुत वक्त साथ में बिताते हैं। फिर वो दोनों जाकर एक बूथ में फ़ोटो खिंचाते हैं। फिर एवरी नो को अपने घर ले जाती है। नो को लगता है कि एवरी उसे पसंद करती है। फिर वो एवरी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एवरी उसे मना कर देती है क्योंकि एवरी उसे अपना दोस्त मानती थी। इसके बाद प्रेजेंट वक्त में नो बहुत शराब पी लेता है और वो फिर बातों में चला जाता है। फिर एवरी भी वहाँ आ जाती है, लेकिन नो उसे कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ पर ईथन आ जाता है। इसके बाद एवरी अपने दोस्त कैरी को नो को अपने घर छोड़ने को कहती है। जब दोनों कार में होते हैं तो नो कैरी को बताता है कि वो एवरी से बहुत प्यार करता है। फिर नो को अपना दोस्त मैक्स दिखाई देता है। फिर कैरी नो को वहाँ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर मैक्स उससे कहता है कि ये सब जिंदगी का एक वक्त है और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। नो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बार में बैठकर बहुत शराब पीता है, क्योंकि ये बार वही था जहाँ एवरी नो को पहली बार मिली थी। इसके बाद अगली सुबह नो अपने बेड पर होता है। फिर जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो सभी लोगों को देखता है कि सभी लोग हैलोवीन बन रखे हैं। फिर वो एक दुकान में जाता है। वहाँ वो न्यूज़पेपर में देखता है कि इस न्यूज़पेपर में तो 2014 की डेट है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है, यानी कि 2018 से 2014 के बीच का समय, और वो समझ जाता है वो पास्ट में जा चुका है क्योंकि उसने फ़ोटो बूथ में अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। फिर वो ये बात अपने फ्रेंड मैक्स को बताता है, लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो कैरी के पास जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन कैरी भी उसे इग्नोर कर देती है। फिर नो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब भी वो एवरी से मिले तो उसे खुश करने की कोशिश करेगा। फिर वो दोबारा से नाइट पार्टी में जाता है, क्लब में जाता है जहाँ वो पहली बार एवरी से मिला था। फिर वो पार्टी में एवरी और कैरी को दोनों को साथ में देखता है। वो कैरी के सामने नहीं जा सकता था क्योंकि एवरी उसके बारे में गलत समझती, कैरी उसे पसंद नहीं करती थी। नो को पता था कि कैरी का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो इसी पार्टी में मौजूद है। फिर वो कैरी को उसके बॉयफ्रेंड के पास भेज देता है और कैरी वहाँ से चली जाती है। फिर वो एवरी के पास जाता है और उसको गिरने से बचाता है। फिर वो दोबारा से एवरी को इम्प्रेस करता है और फोटो बूथ में जाकर फ़ोटो खिंचवाता है। फिर वो दोबारा से जब घर में जाते हैं तो नो एवरी को किस करने की कोशिश करता है। एवरी उसके लिए हाँ कर देती है। तभी कैरी आती है और कैरी उसे डांटती है। फिर वो नो को मारती है एक डंडे से और नो फिर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन उसकी आँख खुलती है, वो अपने बेड पर होता है, लेकिन ये प्रेजेंट डे था। फिर जब वो फिर से एवरी के घर जाता है तो वो लोग फिर से उसे मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इसने एवरी को किस किया था। फिर नो वहाँ से चला जाता है। फिर नो दोबारा से उस फोटो बूथ का यूज़ कर 2014 में चला जाता है। फिर उसकी दोबारा आँख अपने बेड पर खुलती है और वो सीधा जाकर मैक्स से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। फिर वो मैक्स से कहता है कि मेरी मदद करो, मैं एवरी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। फिर मैक्स उससे कहता है कि तुम एवरी से एक बुरे आदमी के तौर पर मिलना, क्योंकि मैक्स को लगता था लड़कियों को बुरे लोग पसंद है। फिर रात को नो दोबारा एवरी से मिलता है। फिर वो एवरी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। एवरी को ये बात अच्छी नहीं लगती। नो बार बार फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। फिर एवरी उसे पूल में गिरा देती है। इसके बाद नो पूल से बाहर आने के लिए एवरी की हेल्प मांगता है। यहीं पर नो एवरी को पूल में खींच देता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद नो फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, यानी कि 2017 में। इस बार जब नो उठता है खड़ा बेड पर तो वो देखता है कि उसके बगल में एवरी भी है, लेकिन जब वो खुद को मिरर में देखता है वो बहुत बदल चुका था। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग कैरी और एथिन जब इनसे मिलते हैं, फिर कैरी नो से कहती है कि तुम एवरी को सिर्फ फिजिकली चाहते हो, बाकी तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो टाइम ट्रेवल पे जाकर और 2014 में आता है। फिर वो पार्टी में जाकर एक अच्छे आदमी की तरह उसके साथ व्यवहार करता है। अब उसे पता था कि एवरी को क्या पसंद है क्या नहीं, तो वो सारे काम करता है जो एवरी को पसंद है। फिर एवरी उस पर भरोसा करती है।
और उसे पसंद करने लगती है। इसके बाद नो फिर से 2017 में आ जाता है और वो अब ऑफिस में था, यानी कि उसके पास बहुत काम होने की वजह से वो ऑफिस में ही सो गया। और नो और एवेरी की इंगेजमेंट होने वाली थी। अब नो के पास सब कुछ था। फिर जब नो ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, अब वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। ये पता चलने के बाद मैक्स उससे नाराज़ हो जाता है, क्योंकि मैक्स चाहता था कि वो खुद उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर जब नो घर में पहुंचता है तो इंगेजमेंट के टाइम नो अवेरी के लिए उसकी मन पसंदीदा धुन को पियानो में प्ले करता है, लेकिन वो कर नहीं सकता था। नो अब भूल चुका था क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी रहा करता था। फिर जब वो एक कमरे के अंदर जाता है तो वो इथिन को देखता है जो रो रहा था। इसके बाद नो इथिन को उसके घर पर उसे छोड़ने जाता है। फिर जब दोनों कार में बैठे हुए होते हैं तो नो इथिन से पूछता है, तुमने बाथरूम में एवेरी से क्या कहा? फिर इथिन कहता है, मैंने एवेरी से अपने दिल की बात बताई, मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर नो उससे पूछता है कि एवेरी ने क्या कहा? फिर इथिन कहता है कि एवेरी भी मुझसे प्यार करने लगी है, लेकिन इंगेजमेंट होने की वजह से वो दोनों अब एक नहीं हो सकते। ये सुनकर नो बहुत टूट जाता है। इसके बाद नो जब दोबारा घर पर वापस आता है फिर वो कैरी से पूछता है, क्या एवेरी मुझसे प्यार करती है? फिर कैरी कहती है, तुम भले ही सक्सेसफुल हो चुके हो लेकिन तुम कभी भी एवेरी के लिए परफेक्ट नहीं थे। नो ये सब सुनकर रियलाइज़ करता है कि शायद अब उसे एवेरी से प्यार हो चुका है। फिर वो टाइम ट्रेवल में 2014 में आता है। फिर वो दोबारा से इथिन को एवेरी से मिला देता है और इथिन कैरी के साथ समय बिताता है। फिर वो दोबारा टाइम ट्रेवल में जाकर 2017 में आता है, लेकिन वो सोचता है कि उसके साथ दोबारा एवेरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो नींद से जागता है तो उसके सामने मैक्स आता है। फिर मैक्स कहता है वो इथिन के साथ है। फिर नो कैरी के बारे में पूछता है, लेकिन मैक्स कहता है मुझे नहीं पता। इसके बाद नो कैरी के घर जाता है और उसे किस करता है, लेकिन कैरी उसे मना कर देती है। फिर वो नो से कहती है कि हमने पार्टी में अच्छा समय बिताया, लेकिन ये नहीं हो सकता। फिर नो दोबारा से टाइम ट्रेवल करता है और 2014 में आता है और वो सब कुछ वैसे ही करता है जैसा हो रहा था। फिर वो जब दोबारा 2017 में आता है तो वो जाता है और देखता है कि एवेरी और इथिन की एंगेजमेंट हो रही है। अब नो बहुत खुश था। फिर नो कैरी से अपना प्यार का इजहार करता है और कैरी उसे हाँ कर देती है। फिर वो दोनों समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।